ईद उल फित्र पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर जनपद स्तरीय शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक प्रभारी जिलाधिकारी CDO अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, त्योहारों में व्यवधान डालने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं है। प्रशासन त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। त्यौहार सभी वर्गों का होता है, इसलिए आपसी मेल मिलाप एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाए। इस अवसर पर उन्होंने साफ सफाई, गड्ढा मुक्त सड़कें, ढीले एवं जर्जर तार या पोल को ठीक करने के साथ ही अनवरत रूप से जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। प्रभारी जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि त्यौहार के दिन मस्जिदों के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो तथा नमाज के समय छुट्टा पशुओं, सुअरों के विचरण को पशु नियंत्रण टीम बनाकर प्रतिबंधित किया जाए ताकि नमाज में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। उन्होंने SDM या CO से कहा कि वे क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करते हुए निगरानी रखें। बैठक में SPCT विनय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई समस्या है तो सबसे पहले उसका जरूर जिक्र करे, जो जुड़ा हुआ हो, चाहे विद्युत विभाग से हो, चाहे मीटरोलॉजी से हो, किसी विभाग से कोई मुद्दे ईद से जुड़े हुए हैं, ईद के त्यौहार से जुड़े हैं, वही इस मीटिंग में रखे जाए। ईद की जरूरत है, नगर निगम से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर से एक बार दिए। सड़कों पर जो भी जैसे बहुत सी जगहों पर है कि कुछ मलबे पड़े हुए हैं, सब मलबों पर हटवा लिया जाए। और नमाज हो रही थी, नमाज में सार एक बार से ही आ गया था, बहुत ज्यादा इसमें भगदड़ भी, तो इस तरह सब नमाज के लिए कल एक चीज सर हम लोग सामने आई है कि वो समारोह में बहुत कंपनी चौड़े हैं कि तबसे वो कर गई है एक ट्रक तक, एक DCM अभी तक वो बाजार होती है, इसके बाद अस्पताल के बाद रोड रहती है, रोड जाम रहती है, उसमें बड़ी वाहन जो आते हैं उससे काफ़ी दिक्कत आती है, जाम भी बहुत ज़्यादा है। सर उसमें जो एक निगम से है सफाई, वो क्या नाम है, जो पता नारे को डबाया था पड़े से, वो व्यवस्था सर होनी चाहिए, बहुत अच्छी लोगों अच्छी व्यवस्था भी होगी नगर निगम के फायदे काबिल जी। सर प्रिय एरिया कभी हम लोगों ने देखा या सुना भी नहीं कि किसी तरह की वहाँ अशांति हुई हो, तो नगर अपर नगर एम साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कम नगर निगम और इनका आदमी कम बढ़ जाता है, तो देखो बिजली का कोई फॉल्ट ना हो। दूसरी चीज अपन नगर आयुक्त साहब बैठे हुए हैं और सफाई इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं श्रीवास्तव आदि स्वास्थ्य अधिकारी साहब, तो ये लोग थोड़ा सा ये देख लें कि सफाई की व्यवस्था और ये सब है, बिजली का फॉल्ट और सफाई व्यवस्था, अगर ये दोनों रहेंगे तो कोई बात नहीं है, हम लोग ईद अच्छी तरह मना लेंगे। ईद का सबको मुबारकबाद, ईद मनाई जाती है और हम लोग प्रेम से मनाएंगे, भाईचारे से मनाएंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे हम लोगों को दिक्कत पैदा हो।